गौरचंद्राय राधिकाय स्फदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रभु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रभु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण कति जो ग्रंथ है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशांत है। भक्तों ने प्रभुपाद को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किया, प्रभुपाद का जो उत्तर दिया है ये श्री ग्रंथ है। इसमें किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद बोले प्रभु पाद आचार्य की करे कि जो आचार्य वो क्या करते हैं है? जो आचार्य है कि आचार्य भगवान संवाद वाहक तिनी वैकुंठ रे संवाद आमादर का चेन देन कर जो आचार्य है कर ये भगवान की संवाद वाहक मतलब भगवान ने जो बताया है उसको ला करके हमारे पास में पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं वैकुंठ जो गोलोक वृंदावन का जो संवाद है हमारे पास में ला करके वो देते हैं। वो कभी भी अपना मनमानी मैंने ये बताया मैं ये कह रहा हूँ मेरा ये कथा सुनने से तुम्हारे कल्याण होगा बोले नहीं कभी ये मैं नहीं करते। ये कहते नहीं भगवान ने ये बताया हमको भक्तों ने कैसे बोले ध्रुव महाराज ये बताए प्रह्लाद महाराज ये बताए महाप्रभु षड्ग स्वामी ने ये बात बताया। वो हर समय गुरु वैष्णव भगवान की कथाओं को हमारे पास में पहुंचाते हैं अपना कथा नहीं बोलते। लेकिन जगत में कभी कभी ऐसे कथा होता है कहते कुछ आप कथा और कुछ बाप कथा आज जो बच गया वो हरी कथा है समझ रहे हो। जगत में कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं वो भगवान की तो कथा बोलते नहीं पहले अपना कथा सुनाए हमने ये किया था हमारी ये था हमने ऐसे किया था हम भी क्या क्या करते हैं उसके बाद में आप कथा फिर बाप कथा फिर अपना बाप की बात सुनाएंगे जो बच गया वो हरी कथा है कहते नहीं ऐसे नहीं कभी जो वास्तव रूप में आचार्य है। इसलिए महाप्रभु जब राय रामानंद को प्रश्न किया तो राय साधर निर्मय राय रामानंद को प्रश्न किया ये बताओ हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है हैं? तब राय रामानंद प्रभु ने बोले हमने बोले वर्णाश्रम आचरण करने से भगवान के चरण में भक्ति होता है। महाप्रभु बोले ये बताओ शास्त्र में कई प्रमाण है कि नहीं ना तुम खुद बोल रहे हो शास्त्र में कई प्रमाण है क्या बता उनमें श्लोक उद्धृत करके बताए हाँ ये शास्त्र में इसका प्रमाण है पर उनने श्लोक को उन्होंने प्रमाणित कर दिया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सकल प्रमाण दिव्य पुराण दक्षण मतलब है जब कोई बात बताओ शास्त्र में क्या बताया है पुराण में क्या बताया गुरु वर्ग क्या बताए वो बात को बताओ अपना बात को मत कहो। इसलिए जो आचार्य है कहते वैकुंठ का जो संवाद है
वो हम लोगों के पास में ला करके देते हैं, हैं? ये अपने आप कोई बात को ये नहीं बोलते। बोले गुरु मुख विगली तसई वैकुंठ संवाद, केवल मात्र सेवन मुख करने द्वारा ग्रहण करता है। तब जो भगवान की जो वार्ता है उसको जो श्री गुरुपाद पद्मा हमारे पास में जो वैकुंठ का जो वार्ता को देते हैं वो कैसे श्रवण करनी चाहिए, कहते सेवन मुख करने द्वारा ग्रहण करता है वे, हैं? कहते सेवन मुख वृत्ति को द्वारा ग्रहण करनी चाहिए, समझ रहे? सेवन मुख वृत्ति मतलब होता है कान के अंदर में हमारी, हम भगवान गुरु वैष्णव भगवान की हम सेवा कैसे करें। इसलिए कभी भी गुरु वैष्णव भगवान से सेवा लेना नहीं चाहिए, हर समय में उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम ये भावना रखे, इसलिए हम आश्रय में आए, गुरु जी के पास में आए, गुरु जी हमारी उल्टा सेवा करे, गुरु वैष्णव का सेवा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमसे जितना दूर हो सके गुरु वैष्णव की सेवा हमें करनी चाहिए, है? इसलिए एक गुरु जी शिष्य को बोले, बोले शिष्य देखो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया जब तो कोई 1,00,000 हरिनाम नहीं ग्रहण करता है ना भगवान, उसका हाथ का दिया हुआ भोजन नहीं करते। गुरु से सुन लिया, ओ बोले महाप्रभु को खिलाने के लिए 1,00,000 हरिनाम ग्रहण करते चाहिए, 1,00,000 हरिनाम ग्रहण कर। बाद शिष्य तो माला पकड़ लिया, शिष्य माला पकड़ करके बैठ गया, बैठ करके बाद माला जब करने लग गया, 1,00,000 हरिनाम पूरी करना है, 1,00,000 नाम पूरी करना है, इसलिए 1,00,000 हरिनाम पूरी करना है किसी तरह से। अभी शिष्य तो माला पकड़ लिया, पकड़ करके गुरुदेव ने कहा देख बेटा जाओ भिक्षा लेकर के आओ, क्योंकि शास्त्र में बताया ब्रह्मचारियों का जो धर्म है रोज घर से बाहर भिक्षा के लिए जानी चाहिए, नियम है। और भिक्षा करके क्या करो, उतना भिक्षा करो कभी भी गुरु जी के चरण में ऋणी नहीं होनी चाहिए, बैठी बैठी करके गुरु जी का वस्तु को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम गुरु जी के पास में आए, गुरु जी हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, हैं? हम तो बाबू बनकर के बैठ जाएंगे, गुरुदेव हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, ये वृत्ति नहीं रहनी चाहिए। इसलिए सप्तम स्कंध में बताया रोज शिष्यों को घर से बाहर जाओ, घर घर में भिक्षा मांगो, उतना भिक्षा लो जैसे अपना के लिए भी हो और गुरु जी के लिए भी हो। गुरु जी से कभी ऋणी नहीं बननी चाहिए, गुरु जी का कमाया हुआ वस्तु को शिष्यों को कभी भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वो अपराध लगता है, हम ऋणी बन जाते हैं गुरु जी। गुरु जी ने पहले यही करते थे, रोज रोज ब्रह्मचारी लोग बाहर जाते थे, भिक्षा लेकर के आते थे, जो हम मथुरा में रहते थे हम जाते थे घर घर में भिक्षा। गुरुदेव जब पहले में आया बोले सचानंद जाओ द्वादश से भिक्षा लेकर के, बोले हम तो पता नहीं कैसे भिक्षा करते हैं, बोले चाहो कोई चिंता नहीं भक्तों के साथ में जाओ। अरे हम लोगों ने घर घर में गए भिक्षा लेकर के आते थे, लेकिन थोड़ी सी भिक्षा लाने पर गुरुदेव खुश होते, उन्होंने बहुत बहुत कुछ लेकर के आए, उन्होंने बहुत कुछ लेकर के आए और सब कुछ ला करके भिक्षा जो मिलता था गुरु जी को हम देते थे। एक समय मेरे कुछ में पेट थोड़ा खराब था, हमने कुछ भिक्षा लाए गुरु जी ने हाथ में दिया, दे करके बोले गुरुदेव मेरे को दवाई के लिए पैसा दे दो। गुरुदेव बोले नहीं अभी तुमने भिक्षा दिया है, अभी तुमने भिक्षा थोड़ी सी ला कर दिया, अगर दे करके अब झट तो मांगोगे गुरुदेव हमें दे दो, कहते ये ठीक नहीं है, इसलिए बाद में आकर के ले जाना, नहीं तो तुमको ये लगेगा हमने भिक्षा करके लाए ना, इसलिए जब हम भिक्षा करके लाए फिर इसलिए हम क्या कर रहे हैं गुरु जी से हम ले रहे हैं, फिर ये तुम्हारी भावना रहेगा हमने लाए इसलिए लाए और गुरु जी से ले रहे हैं, ऐसी भावना नहीं रहनी, चलिए बाद में आकर के ले लेना अभी मत लिया कर। इसलिए मियाँ अभी गुरुदेव बोले 1,00,000 हरिनाम करनी चाहिए, माला लेकर बैठ गया। गुरुदेव बोले बेटा जाओ भिक्षा करके लाओ, बोले गुरुदेव आप बोले ना जब तक 1,00,000 माला कोई पूरी नहीं करते हैं महाप्रभु उसका हाथ का वस्तु ग्रहण नहीं करते, इसलिए माला नहीं पोता है। गुरुदेव खुद गए भिक्षा लेकर के आए, लेकर के जब आए बोले बेटा एक काम करो प्रसाद बना दो, बोले गुरुदेव अभी तो माला पूरी हुई है, अरे माला पूरी नहीं हुई है,
अभी गुरुदेव बनाए, प्रसाद बनाए, हाँ बना कर बोले बेटा कम से कम ठाकुर को भोग का लगा दो। बोले गुरुदेव अभी थोड़ा बाकी है, पूरी नहीं हुई। गुरुदेव स्वयं भोग लगाए, भोग लगा कर बोले बेटा कम से आसन तो बिछा दो। बोले गुरुदेव अभी थोड़ी सी माला बाकी है। गुरुदेव खुद आसन बिछा दो, बिछा करके गुरुदेव पतला से जाते हैं। बोले बेटा अभी कम से कम प्रसाद तो बालो। बोले गुरुदेव सारे बाकियों को तो आपको माना नहीं, सारे बाकियों को अवमानना क्या माना नहीं, लास्ट का जो उपदेश इसको पालन कर लेता हूँ, झट बैठ गया। कोई सेवा तो किया नहीं गुरु जी को, और क्या किया, प्रसाद बाल लिया, भोजन कर लिया। ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोशिश नहीं करनी चाहिए हम किसके ऋणी बने, कोशिश करनी चाहिए हर समय हम कैसे सेवा करें। हमारे भक्त भी ज्ञान भारत गोसाई महाराज कहते थे, क्योंकि वैष्णव था आ करके ना रथ यात्रा में आते थे, जब आते थे मंदिर में आ करके क्या करते थे, अपना बिस्तरा को बाहर रख लेते थे, बाहर रख करके सबसे पहले कथा सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे, मंदिर का कुछ सेवा करेंगे, सेवा करके फिर जा करके प्रसाद पाते थे। अगर कोई बोलता था आओ प्रभु जी आओ बैठ कर प्रसाद पाते नहीं, हमने कुछ सेवा किया ही नहीं, हमने कुछ सेवा किया ही नहीं। अब बगैर सेवा किया हुई अगर सवेर उठे भोजन करना शुरू कर दे फिर तो हो गया हमने कुछ सेवा नहीं किया, भोजन कर लिया, ये अपराध है, ये हमारी अपराध। पहले सेवा करके भोजन करनी चाहिए। इसलिए हमारे मंदिर में एक भक्त रहते, उनका नाम था कैलाश, हमारे वृंदावन भक्त, वो एकदम वृद्धावस्था में आए, अनपढ़ गवार है, लेकिन उसकी बुद्धि के विचार सुनकर सुना तंग रह जाते। सवेरे जैसे नाश्ता होता है मंदिर में प्रसाद, एक दिन बोले कैलाश प्रभु आप प्रसाद पा लो, वो कहते नहीं। बोले मैंने ठीक क्यों, बोले स्वामी का अभी तक मैंने कुछ सेवा नहीं कर पाया, सवेर से अभी तक हमने कुछ सेवा नहीं कर पाए, जब ठाकुर का हम सेवा नहीं कर पाए प्रसाद कैसे पाएंगे, इसलिए पहले हम कुछ सेवा करेंगे फिर हम प्रसाद पाएंगे। रोज ठाकुर का जो सेवा का बर्तन थे वो रगड़ रगड़ करके साफ करते थे, अगर उसमें कोई हाथ लगा दिया ना महावात हो जाएगा, बोले नहीं ये मेरी सेवा। फिर क्या करते थे, पूरा मंदिर को नाथ मंदिर को परिष्कार करते थे, अगर किसी ने इसको पोछा लगा दिया बस हो गया, लड़ाई करना शुरू कर देंगे, अगर वो कर भी देगा ये दो बार उसको पर लगाएंगे, तू कर दिया मंदिर का सेवा सेवा मैं करूंगा। चावल को बीन बीन करके एक धान नहीं रहनी चाहिए, अच्छे तरह से सेवा करना। मैं तो सुनकर धन रह जाता था, उसकी भावना मूर्ख है गवार है, लेकिन उसको विचार अनपढ़ होने पर भी विचार कितने अच्छा विचार है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले सेवन मुखी वृत्ति को द्वारा कथा सुननी चाहिए, भोगन मुखी नहीं, भोग बुद्धि से कथा नहीं सुननी चाहिए। इसलिए गुरु वैष्णव की सेवा कभी भी लेना चाहिए, हमसे जितना दूर हो सके उनकी सेवा करो, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर सेवा नहीं करेंगे तो सेवा किसके लेंगे, बाबू बनकर बैठ जाएंगे। पर जो थोड़ी बहुत हमने सुकृति अर्जुन किया ना, वो धीरे धीरे वो सुकृति भी हमारी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहते पूर्ण शरणागत हो ले आचार्य कृपा सभी पावा जाइए। कहते हैं कहते गुरु वैष्णव के चरण में हमें संपूर्ण रूप में शरणागत होना पड़ेगा, शरणागत होने पड़ेगा, तब फिर क्या होगा, फिर गुरु वैष्णव कृपा में से हम इस जीवन में सब कुछ कभी मिलेगा। अगर शरणागति अगर नहीं होंगे, बाहर एक सोच बैठे अंदर में और कोई चीज सोच रहेगी, हाँ गुरु वैष्णव के सामने मुंडी हिलाते रहेंगे, हाँ 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 हाँ, लेकिन ऊपर से मुंडी हिलाएंगे लेकिन अंदर में और कोई चीज सोच रहे, अंदर में और कोई चीज हमारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ऊपर से हाँ जी हाँ जी करते हैं, अरे नहीं ऐसे होने से नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अंतर बाहर समय व्यवहार अमान्य मानत हो, हम ऊपर में जैसे देखने में लग रहा है वो अंदर में भी वैसे होने चाहिए, हम दिखाने के लिए एक दिख रहे हैं लेकिन अंदर में और कोई चीज, इससे जीव का कल्याण नहीं। इसलिए कृष्ण बंसुरी को तीन बजाते हैं, कहते बंसरी में दो गुण है, एक तो उसके अंदर में पोला खाली है पूरा की पूरा, हृदय में कोई है, हृदय में कोई चीज है नहीं,
और कृष्ण जैसे बजाते हैं ना वो वैसे बजती है, इसलिए कृष्ण हर समय उसको पास में रखते हैं, कभी कमर में, कभी अधर में, कभी होठ, क्यों? उसके अंदर में खाली है, मतलब वो सरल है। इसलिए कहते हैं कहते सरलता अपरता नाम वैष्णवता, हाँ वैष्णव अपरता नाम सरलता, मतलब जो जितने भक्ति जगत में सरल है वो उतना ही भक्ति में उसका प्रवेश, जिसके हृदय में जितने कपट हो भक्ति जगत में उसका कोई स्थान नहीं। इसलिए कपटता नहीं करनी चाहिए, कपटता बहुत गंदी चीज है, सरल रहनी चाहिए गुरु वैष्णव के पास में। इसलिए कहते पूर्ण शरणागति वाले आचार्य कृपाए सवई बाबा जावे, जब हम शरणागत होते हैं, सरल होते हैं, फिर गुरु वैष्णव कृपा से फिर जीवन में हमें सब कुछ चीज मिल जाती है। इसलिए बाबा जावे वैकुंठ लोक छड़ा, वैकुंठ कथा ठीक ठीक है बोलते बारे में, तो प्रभुपाद कहते हैं कहते जो वैकुंठ के लोक के बगैर वैकुंठ का बात कोई सच सच ठीक ठीक से बता नहीं सकते हैं। इसलिए एक उदाहरण दिया, बोले जिन्हें कलकत्ता देखे थे तार काछे ही कलकत्ता कथा सुनता अभी तब ही खांटी समुद्र पावा जाए। उदाहरण दिया है जैसे हमने माना कलकत्ता गया, कलकत्ता से घूम करके आया, किसने पूछेगा भाई कलकत्ता कैसे है, फिर वो बोलेगा हाँ हावड़ा ब्रिज है, हम सुने कि नहीं, जिसका नीचे गंगा को नीचे कोई भी एक पिलर नहीं, कितने लंबी आश्चर्य बात है, कोई फिगर नहीं वहां पर, इतने लंबी वहां पर ब्रिज है पूरा के पूरा बिना, एक आश्चर्य में और एक आश्चर्य सप्तम आश्चर्य में एक आश्चर्य बगैर फिलर के पूरा के पूरा वो ब्रिज कितने लंबी दूर तक नीचे कोई पिलर नहीं, कोई पिलर नहीं, ऐसे बनाया पूरा पूरा खेच करके ऊपर से रखा हुआ ब्रिज, जो देखा होगा बोले हाँ वहां पर देखा, अरे डिनर पिलर के इतना बड़ा ब्रिज है हमने देखा, हमने कलकत्ता गया शहर ऐसे देखा और ये गार्डन को हमने ऐसे देखा और वहां पर अभी जो देख करके आएगा ना फिर बताएगा अरे ऐसे 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 है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उसी तरह भगवत राज्य की बात को कौन बता सकता है, कि जिसने भगवत राज्य को देखा है ना वही व्यक्ति ही उसका कथा बता सकते हैं, वही व्यक्ति उसकी कथा को बता सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आचार्य का आचार्य क्या करते हैं, तो आचार्य जो होते हैं भगवान की कथा की जो वैकुंठ वार्ता को भगवान कथा को हमारे पास में पहुंचाते हैं, शास्त्र की बात हमारी गीता रामायण भागवत की बात को उन्होंने हमारे पास में ये ठीक ठीक हमारे पास में पहुंचाते हैं, अपनी मन से कोई बात को ये बोलते नहीं। और एक प्रश्न है साधु रो काज की, जो साधु है वो क्या करता है, क्या करता है साधु, तो प्रभुपाद कहते हैं साधु कार्य होचे एब्सोल्यूट एवं ट्रूथ एर भगवान रे संस्पर्शे 24 घंटा मध्य 24 घंटा थाका, कहते साधु का जो काम है कहते ये जो 24 घंटा के अंदर में वो 24 घंटा भगवान के पास में साधु रहते हैं, कहते ये रहते मतलब क्या है, कैसे भगवान के पास में फिर कैसे रहनी चाहिए है? जो 24 घंटा जो 24 घंटा भगवान के पास में रहते हैं, बोले प्रश्न है कैसे भगवान के पास में हम रह सकते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं एरब लिविंग सोर्स बा जीवंत साधु संग होले तार कछे हरि कथा सुन ले भगवान रे विश्वास निश्चय हवे एवं सेवा प्रवृत्ति व जागवे, कर जो साधु हर समय 24 घंटा में 24 घंटा भगवान को साथ में जो रहते हैं, कहते ऐसे साधु का संग करने से ऐसे साधु से हरि कथा सुनने से क्या होगा, भगवान के प्रति विश्वास निश्चित रूप में होगा और सेवा वृत्ति व जागवे हृदय में दे सेवा वृत्ति व जागवे, क्योंकि ऐसे साधु को साथ में जब हम रहेंगे मतलब क्या है, मतलब है जो हर समय में 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भजन भगवान की कथा भगवान का नाम भगवान की छोड़ करके और जीवन में जो काम कुछ करते तो है ही नहीं, जो हर समय करे तो भगवान की सेवा ही करे,
अब बोले तो भगवान की कथा ही बोले, हैं भगवान कथा बोले, कीर्तन करे तो भगवान की कीर्तन ही करे, हैं इसलिए संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसान निद्रा आहार विहार इसलिए कहते जो सड़क गोस्वामी का जीवन शैली कैसे था, संख्या पूर्वक नाम करते थे, उनकी कीर्तन करते थे, गान करते थे, उनको रोज रोज 1000 नाम गुरु वैष्णव का लेकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, प्रणाम करते थे, हर समय भगवान की भजन में लगे रहते थे। जब जो साधु हर समय वास्तव रूप में भगवान की भजन भक्ति में लगे रहेंगे ना, तब जब हम ऐसे साधु संग करेंगे तब क्या होगा, ऐसे कहते ऐसे साधु संग करने से प्रभुपाद कहते हैं फिर भगवान के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास होगा एवं हृदय में सेवा करने की प्रवृत्ति भी जगेगा। लेकिन अगर जो साधु खुद नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान भजन नहीं करता, फिर ऐसे साधु का संग करने से ना हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं जाएगा, क्योंकि जो आचरण में जो विधि नहीं है, जो आचरण नहीं करते हैं, उस कथा में कोई दम नहीं रहता, उसमें कोई दम, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसे साधु संग करनी चाहिए जो हर समय भगवान की भक्ति भजन करे, करने से क्या होगा, फिर वो भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति भावना प्रेम को ये भी जगा सकते हैं। इसलिए कहते साधु हवार जन नहीं साधु संग करते हवे, इसलिए यहाँ पर कहते हैं साधु हवार जन नहीं साधु संग करते हवे, यहाँ पर कहते हैं साधु संग हमें क्यों करनी चाहिए, बोले साधु बनने के लिए हमें साधु संग करना चाहिए। जो जुआ खेलते हैं, अगर जुआ खेलना चाहते तो किसके साथ में बैठे जुआ जुआ, अभी जो शराब पीते हैं, अभी शराब पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, शराब के साथ में बैठो, जो चोरी करते हैं फिर क्या करना पड़ेगा, चोर के साथ में बैठना पड़ेगा, फिर तुम चोरी सीख सकते हो। अगर तुम साधु बनना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, साधु से कहते साधु को साथ में रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान कपिलदेव अपना माँ को कहते बोले माँ बोले स्वयं साधु सुकृतम मुक्षदान उपागम, अगर जीवन में तुम साधु बनना चाहते हो माँ, जीवन में मन को भगवान के चरण में लगाना चाहते हो, बोले स्वयं साधु सुकृत्य मतलब अपना जो आसक्ति जो प्रेम है सबको साथ में मत करो, सबको साथ में नहीं करनी चाहिए, बोले किसको साथ में, बोले स्वयं साधु सुकृत्यम साधु को साथ में संग करो, साधु साथ में संग करोगे फिर क्या होगा, कहते साधु बन जाओगे, बोले असत व्यक्ति का संग करोगे, जैसे अड़ोसी पड़ोस में जो चुगली निंदा करते हैं अगर उसको साथ में बैठ जाओगे फिर क्या होगा, बाहर चुगली निंदा बहु सास की बात कहानी शुरू हो जाएगी, अगर शुरू हो जाएगी, इसलिए सबके साथ में हमें नहीं बैठनी चाहिए, देखकर बैठनी चाहिए, इसलिए सबके साथ में नहीं बैठनी चाहिए, भक्तों के साथ में बैठो, जिनको साथ में बैठने पर हरी चर्चा होगी, हरी कथा होगी, भगवान के बारे में चर्चा होगी, ऐसे व्यक्ति के संग में बैठनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते साधु हवार जने साधु संग करता है, कहते साधु होने के लिए साधु संग करना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है थ्योरिकल, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है सूत्र दिया दिया, दूसरा है अपना जीवन में उतारना, प्रैक्टिकल तत् करने के लिए साधु संग में रहना पड़ेगा, क्योंकि साधु कैसे सवेरे उठते हैं, भगवान का नाम करते हैं, पूजा करके भगवान का कीर्तन, भगवान की भजन आरती करते हैं, जब ये चीज को हम देखते हैं ना, फिर स्वाभाविक रूप में हमारी ऐसे करनी चाहिए। हम बोलते हैं ना हमारी महाराज जी सवेरे उठ करके हरि नाम करते थे, एक लाख हरि नाम जप करते थे, ग्रंथ लिखते थे, हरि कथा प्रचार करते थे, हम बोलते हैं ना। इसलिए जब साधु के साथ में रहेंगे, उनकी क्रियाओं को जब हम देखेंगे, फिर हमारी अंदर में भी जैसे भावना होगी। इसलिए प्रणत बा शरणागत है साधु संग कर ले समस्त असुविधा निश्चय ही कट जावे। यहाँ पर कहते हैं साधु संग कैसे करनी चाहिए,
कहते हैं यही से नहीं, जैसे कहते हैं ना साधु का जो जटा जुट होता है ना उसमें एक जू रहता है, एक कीड़ा रहता है, हैं? वो तो रहता है साधु की जटा में, लेकिन वो खून चूसता है, क्या करता है खून चूसता है, बोले ऐसे नहीं कर देता है, इसलिए साधु के पास में रहे जो खून चूसने के लिए नहीं, खून चूसने के लिए रहनी चाहिए, मतलब क्या है अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, इसलिए हम रह रहे हैं साधु के साथ में, अपना मतलब हासिल करने के लिए, हैं? अपना मतलब हम हासिल करेंगे, बोले नहीं ऐसे साधु गुरु वैष्णव के पास में नहीं रहनी चाहिए, उनकी हम सेवा करेंगे, ठाकुर का हम सेवा करेंगे, जो अपना स्वार्थ के लिए साधु संग में रहते हैं भैया उसको साधु संग नहीं कहते हैं, तो साधु संग नहीं कहते हैं, इसलिए शरणागत होकर के कहते प्रणत और शरणागत होकर के साधु संग कर लेते आवे, कहते जितना जीवन में असुविधा है बोले निश्चित रूप में खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप में खत्म हो जाएगी, अगर शरणागत के बगैर साधु संग करेंगे ना तो जितनी सारी दिक्कत आएगी, इसलिए शरणागत हो करके साधु संग करो, इसलिए निजे आश्रित व संगी के निर्भय निश्चिंत और सुखी कराए साधु रोकाज, इसलिए साधु का काम क्या है, बोले साधु का काम ये है अपना जो आश्रित व संगी के वो क्या कहते हैं करते हैं जीवन में उनका निर्भय कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं, उनको जीवन में सुखी कर लेते हैं, ये साधुओं का ये कार्य है। यदि ये कब निश्चित सुखी कब होएंगे, जब हम निष्कपट होकर के गुरु वैष्णव का सेवा भगवान की भक्ति और हृदय में निष्कपट भाव रहने चाहिए, नहीं हम साधु बनने के लिए आए, सचमुच से हम जीवन में साधु ही बनेंगे, जीवन में साधु ही बनेंगे, अगर ये भावना हो तभी तो, नहीं तो दिखाने के लिए एक अंदर में और एक भावना रख करके बैठे हमारे जीवन में दूसरी चीज हासिल करना चाहते भैया तो थोड़ी संगत है, संगत रहते हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए निष्कपट होकर के शरणागत होकर के हैं ऊपर हम जैसे देखने में लग रहे हैं अंदर में वैसे हमें होनी चाहिए, इसलिए बाहर भीतर भी कोई हमारी अलग, इसलिए कभी कभी बहुत दिन तक गुरु वैष्णव के पास में रह करके भी लाभ नहीं होता, नहीं होता है, बोले क्यों ऊपर दिखा रहे थे हम एक, लेकिन अंदर में क्या सोच रहे और एक चीज को अंदर में सोच करके बैठे हमको ये करना वो करना वो करना, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं गुरु वैष्णव को हम ये कर रहे हैं, ऐसे करने से साधु संग नहीं होता है, उसको साधु संग नहीं कहते बल्कि साधु का खून हम चूस रहे हैं, साधु के ठग करके साधु को हम आपका खून चूस रहे हैं, इसलिए कहते हैं इस साधु का ये है कहते ये साधु का क्या है साधु का काम है, इसलिए हम पहले सुन रहे थे ना गुरु जी उनका लेक्चर है, कहते एक होता है शिष्य भृग, मतलब शिष्य नाम पर कलंक है, वो क्या करता है गुरु जी को पास में रहते हैं, गुरु जी को पास में रहते हैं लेकिन उनका जो ध्यान गुरु जी के पकड़ में, गुरु जी का सारे संपत्ति सब मिल जाए, गुरुदेव कब जल्दी जल्दी जाए ना, गुरु जी जितना हो जल्दी जल्दी गुरुदेव चले जाए और उसका जितने सारे संपत्ति है ना वो हमें मिल जाए, इसलिए वो संपत्ति हमें मिल जाए, बाद गुरु जी को ऊपर दिखाने के लिए उसका उदाहरण एक लग गया है, और ऊपर दिखाने के लिए तो एक है, सीखने के लिए आए धनु विद्या, बोले क्यों बोले अर्जुन को हम परास्त करेंगे, अर्जुन को परास्त करेंगे, जैसे कर्ण वो आया गुरु जी के पास में शिक्षा किया गुरु जी के पास में, लेकिन कपट हृदय में, कपट हृदय में है, इसलिए वो भी अर्जुन को मारना चाहता है और गुरु जी को झूठ बोल दिया मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होता क्षत्रिय था, ऊपर में क्या गुरु जी को बोल दिया मैं ब्राह्मण हूँ, बाद में क्या हुआ उसको शिक्षा सबके सब निष्फल हुआ, जो जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोजन का समय आया वही पर विद्या कोई काम नहीं, विद्या कोई काम नहीं होता, इसलिए कहते हमें निष्कपट होकर के गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए तभी हमारी कल्याण होगी, नहीं तो कल्याण हमारी नहीं होगी, इसलिए कभी कभी देखना बहुत दिन तक रहने पर भी हमारी परिवर्तन हमारी नहीं होती है, इसलिए कराए साधु संग जिनका बैटरी एक्शन एयर मत, इसलिए जो साधु संग है वो क्या करता है चार्ज कर देता है,
जिसे घड़ी होता है ना, पहले क्या करते हैं चाबी लगा देते थे, वो 24 घंटा चलता था, फिर दूसरे दिन क्या, फिर और उस पर 24 घंटा में 24 घंटे उसको चाबी देना पड़ता है। साधु संघ क्या करते हैं, हमारे अंदर चार्ज अप कर देते हैं, भक्ति करने की चार्ज अप कर देता है साधु संघ, क्योंकि हरि कथा सुन सुन करके हमें पता चलता है जीवन दुर्लभ, समय को नष्ट नहीं करनी चाहिए, हर समय हरि गुरु वैष्णव का सेवा करो, समय को नष्ट मत करो, भगवान भजन करो, सुनते सुनते अंदर में भाव भावना जग जाती है। यदि ये चार्ज कर देते हैं, जगत रे बहिर्मुख लोगों के भगवान के प्रति उन्मुख कराई साधु कार्य एवं यही प्रकृत जीव दया, कहते वास्तव रूप में जीव को पर दया किया है, कितना जीव को पर दया करो कैसे दया करे, वास्तव रूप में जीव दया है, जगत में जो बहिर्मुख लोग है कहते भगवान के प्रति उन्मुख करा करना ही ये साधु का सिद्धि, कहते ये सबसे बड़ा जीव की ऊपर में दया है। एक भक्त उदाहरण दे रहे थे, जैसे कुछ व्यक्ति नदी में बहते हुए जा रहे थे, नदी में बहते हुए जा रहे थे, एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको कपड़े को पकड़ लिया तो कपड़ा तो आ गया साथ में, लेकिन व्यक्ति ने बह गया। किसने बह रहा था, उसको किसने पकड़ लिया, उसकी पैंट को पकड़ लिया, लेकिन पैंट हाथ में आ गया, लेकिन व्यक्ति पानी में बह गया है, लेकिन पकड़ा तो आदमी बहते हुए जा रहे, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति का चोटी पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, चोटी पकड़ लिया, चोटी पकड़ के क्या किया, उसको पूरा पूरा उसने ऊपर में निकाल कर लिया। कहते उसी तरह जगत में बहुत दया करते हैं, वैसे खिला दिया, उसे मेडिसिन दे दिया, उसको कुछ कपड़ा लता दे दिया, दया तो दया, लेकिन ये पूरा दया नहीं है, ये थोड़ी समय के लिए दया है, लेकिन वास्तव रूप में दया है अगर हम भगवान की भजन में लगा करके उसको अपना पिताजी को पास में भगवान के धाम में पहुंचा दिया, जहां जाने से जीव कभी वापस नहीं आएगा, वो दया जो किया वो तो सर्वश्रेष्ठ दया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये वास्तव रूप में क्या दया, मतलब जीव जो भगवत बहिर्मुख है उनको भगवत उन्मुख करवाना ही ये वास्तव रूप में जीव की दया है। साधु रो प्रकृष्ट संग है ले मंगल है, हबे ही हबे, तथा अगर हम सचमुच से साधु का पूर्ण रूप में सही सही संग करेंगे, जरूर हमारे कल्याण होगा, मंगल होगा ही, अगर हम सही सही संग करेंगे तो उनकी प्रणत है साधु कथा सुनते हवे एवं सही भावे सेवामय जीवन यापन करते हवे, तबे ही प्रकृष्ट साधु संग हवे। यहाँ पर कहते हैं साधु संघ कहते हैं किसको, साधु संघ कहते हैं किसको, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कहते शरणागत होकर कथा सुनना पड़ेगा, जीवन को भगवान की सेवा में जीवन यापन करना पड़ेगा, तभी तो साधु संघ होगा ना। कभी हम कहते हैं नहीं, इतना दिन तक हम साधु संघ में आए, हरि भजन किया, भक्ति किया, अभी तक तो हमारे कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक हमारे कुछ अगर हम सचमुच से शरणागत होकर के निष्कपट होकर के सेवा प्रवृत्ति संकल्प करें, जरूर कल्याण होगा। अभी तक जिन जिन्हें मैंने साधु संग किया सबका कल्याण होगा। इसलिए एकादशी संघ में इतने गिनाया साधु संघ में किसकी कल्याण नहीं होगी, गंधर्व का कल्याण हो गया, सवरियों का कल्याण हो गया, दिल्लियों का कल्याण हो गया, मैं जगत में जिन जिनों ने साधु संग किया है ना, सबकी कल्याण हो गया, सबकी मंगल और सबका कल्याण हो गया, सबका कल्याण हो गया। इसलिए कहते अमादर मत बद्ध जीव गण के माया हाथ होते उद्धार करें साधु कार्य, साधु का काम किया है उनका, जो सोचते ना साधु का चमत्कार को नमस्कार, तो थोड़ा विभूत निकाल दिया, लाख बोले तुम्हारी ये काम हो जाएगा, तुमको थोड़ी सी इधर उधर कोई चीज दे करके चमत्कार कुछ दिखा दिया, अरे तुम्हारे बेटा की शादी हो जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, उसकी नौकर लग जाएगी, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, अगर थोड़ी थोड़ी सी कर दिया ना तो देखना क्या भीड़ लग जाएगी। अभी है ना, अभी कोई टीवी में कोई आता है ना, कोई शादी बागेश्वर धाम बागे कोई आ रहा है, हैं इसका मन की बात बता देता है, तुम्हारे को भूत लगा हुआ उसको, लोग वहां इकट्ठे इतने हो रहे हैं, इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ लगा हुआ है, साधु का काम
साधु का काम नहीं है। साधु का काम है भगवान की भक्ति में जीवों को लगा। जब तक भगवान की भक्ति में जीव को नहीं लगा देते ना, करोड़ों कोशिश कर लो कभी भी वो शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। करोड़ों कोशिश कर लो, मूल जड़ का जो बीमारी, अगर बीमारी का जड़ को नहीं देखोगे ना, बीमारी क्यों? महाप्रभु को सनातन गोस्वामी प्रश्न किया के आमी के न मरे जाए, कौन हो, क्यों कष्ट भोग उठा रहा है? भगवान क्या उत्तर दिया? कष्ट का एक ही कारण है, कृष्ण बोली सही की अनादि देवी, अनादिकाल से हमने कृष्ण को भूल गया, इसीलिए सारे दुख कष्ट का जड़ यही पर है। जड़ से अगर किसी कोई नहीं पकड़ता है, जो कुछ कर लो वो दुख जाने वाले नहीं। एक बार